बिग बॉस सीजन 9 एक्स कंटेस्टेंट इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। मैं बात कर रही हूँ रिमी सेन की। जी हाँ, एक बार फिर से रिमी सेन सुर्खियों में आ गई है। कारण क्या है, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरजम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। देखिए, पिछले 10 साल से रिमी सेन कहीं में भी एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थी, बॉलीवुड में भी एक्टिव नहीं थी। अब हाल ही में पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा लाइमलाइट ले रही है रिमी सेन ने। दरअसल कई सारे खुलासे किए हैं उन्होंने बिग बॉस को लेकर। कहा था कि भाई वो उन्होंने बिग बॉस जो किया था वो पैसों के लिए किया था। सबसे महंगी कंटेस्टेंट थी वो सीजन 9 की, और सीजन 9 को इसलिए भी नहीं भूला जा सकता क्योंकि रिमी सेन ने बिग बॉस के घर में एक सिंगल टास्क नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बोर लगता है, उनके बस की नहीं है करना। मेकर्स ने, सलमान खान ने, हर किसी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन काम नहीं किया रिमी सेन ने। खैर, 2 करोड़ से भी ज्यादा की रकम उन्होंने हासिल की थी। अब इसी बीच एक और इंटरव्यू उन्होंने दिया है हाल ही में, और इस इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने उनसे जैसे सवाल कर लिया, और ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल था क्योंकि रिपोर्टर ने कहा कि भाई आपने खुद कहा है कि बिग बॉस आपने पैसों के लिए किया है, तो ऐसे में आपने कई सारी फिल्में की है, हॉर्न ओके की है आपने, क्यों की है, बहुत सारी फिल्में की है, तो आपने ये फिल्में भी क्या सिर्फ पैसों के लिए की थी? जिस पर रिमी सेन ने हाँ भी भरते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सारी फिल्मों के नाम गिनाते हुए इस बात को कहा कि भाई उन्होंने जितनी भी फिल्में करी हैं उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए की है, वो पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन उन्हें उन फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको कोई उनको डायरेक्टर्स नहीं समझ में आते थे, उन्हें स्टोरी नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन स्टिल उन्हें पैसा कमाना था इसलिए उन्होंने काम किया। वेल गाइस, कहते हैं जिन लोगों को काम मिल जाता है उन लोगों को कदर नहीं होती, और जिनको नहीं मिलता है उन्हें रोज कदर होती है। खैर, ऐसा ही कुछ अब फिलहाल रिमी सेन के साथ में हो रहा है। लेकिन रिमी सेन अब आपको बता दूं कि वापसी करी है एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर। उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि वो भैया एक डायरेक्टर बनना चाहती थी। लेट्स सी कि अब वो किस तरीके की डायरेक्टर बनती है, क्या अपना प्रोजेक्ट लेकर आती है, देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों से जानना चाहूंगी रिमी सेन की इस कॉमेंट पर आप लोगों का क्या कॉमेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही बॉलीवुड और टेलीविजन की सारी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।